ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये स्वयं प्रकट है माता जी का, जो है अपनी मन्नतों के लिए पूरी चुनिया यहाँ पे बांधी हुई है। हम आ चुके हैं वडन कटोले में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और आज हम आपको लेके आ चुके हैं हरिद्वार के दो प्रसिद्ध मंदिर दिखाने के लिए। अभी हम खड़े हैं पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है हमने, और हमारे सामने आप उधर देख सकते हो यहाँ से रोप वे से माता चंडी देवी का मंदिर है। तो हम आपको लेके चलते हैं रोप वे के काउंटर पे। प्राइस क्या है, इसमें ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, वेटिंग क्या रहती है, यहाँ पे पैदल मार्ग है जो रोप वे से लगभग थोड़ा सा 100-200 मीटर पहले ही है, तो वहाँ से भी जा सकते हैं, उससे लगभग 20-25 मिनट लगती हैं। ये आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, और हमारे साथ जो आशीष है वो लाइन में लगे हुए हैं, हाय कर रहे हैं यहाँ से। अगर आपको दिखाऊं तो ये पूरा यहाँ पे फूड कोर्ट एरिया है, और ऊपर से यहाँ से रोप वे की जो ट्रॉली मिलती हैं वो जाती हैं। हमने टिकट ले लिया है, कुछ इस तरह का टिकट होता है। हमने प्रसाद भी ले लिया, और ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट, चलते हैं अंदर। और ये गुफा से होते हुए हमें जाना पड़ेगा, टनल बनाई हुई है, बड़ी लंबी टनल है भाई। सबसे अच्छी बात है हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इधर देख सकते हैं, अब हमारा नंबर आने वाला है बैठने का, देखते हैं मजा आएगा। फाइनली ऊपर पहुंच गए हम लोग। क्या बिल्कुल पहुंच गए भाई, आप आके खोल ले तो अब डरने की जरूरत नहीं। रोप वे से बाहर निकल के इधर सामने जाएंगे तो 100 मीटर पे माँ अंजनी देवी हैं, और हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल माता चंडी देवी हैं। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो देखो सामने जो है बैराज है, जहाँ से गंगा जी का पानी रोका जाता है। उधर जब उस साइड में जो है हर की पौड़ी के लिए पानी भेजा जाता है, और नीचे के लिए पानी का फ्लो भी रोका जाता है। और सामने आप देख ही सकते हैं हमारे आ गया है माता चंडी देवी का मंदिर। देख सकते हैं आप, मंदिर से पहले छोटी सी मार्केट है, यहाँ से प्रसाद वगैरह लेना है, किसी को नाश्ता पानी लंच करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और सारी अगर देखोगे तो आप प्रसाद की दुकानें हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह भी ले सकते हैं। और इधर से ये आप देख सकते हैं, इधर से आ रहे हैं जो पैदल जो आते हैं यात्री, उनके लिए ये वाला रास्ता है। मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से मंदिर के लिए जा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं लोग जो है अपनी मन्नतों के लिए पूरी चुनिया यहाँ पे बांधी हुई है, देखिए पूरा चुनिया ही चुनिया बांधी हुई चारों तरफ, चुनी बंधी है एकदम, ये देखिए। तो भाई बहुत खतरनाक, कोई मुराद मांगनी हो तो चुन्नी बांध दे, तो चुन्नी बांध सकते हैं आप। है मांगनी है कोई मुराद, चलो आज माता से कुछ मांग के चलो, मांग के चलते हैं, है ना। चलो आप मांगो, देने वाले तो हम कुछ है नहीं, कुछ मांग के ही चलते हैं। चलते हैं, सही बात है, देखते हैं मुराद पूरी होती है या नहीं। वैसे तो कोई कहते हैं ये अंधविश्वास है, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर चलो आज ट्राई करते हैं, करते हैं, सही बात है ना। तो इधर बांध देते हैं आराम से, भाई जगह ही नहीं बची इधर, तो जगह ढूंढो। अरे बॉय, अरे जी जगह फुल है एकदम, अरे लो भाई हमने जगह देख ली हमने, हे अल्लाह। पर अपनी ढूंढ के फिर खोलनी भी होती है। हाँ अपनी वाली नहीं, वैसे बोलते हैं कि अगर अपनी ना मिले आप एक आए खोल के चले जाओ। अच्छा हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, खोल के जरूर जानी होती है जब मन्नत पूरी हो जाती है। मेरी है ना? हाँ मेरी है। कितनी गांठ मारनी है? बढ़िया जी मार दो, दो तीन, दो गांठ मार देना, फिर भी खोलनी भी तो होती है। माता रानी का नाम ले गए, देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः महाभूतेषु। यहाँ पे माता जी ने जब चंडमुंड का वध करा था तब माता जी यहाँ प्रकट हुई। स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है उसका एक छोटा सा अध्याय है, क्या दुर्गा सप्तशती जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं, उसमें माता जी का वर्णन है। माता जी ये खम्भ रूप देख रहे हैं आप, स्तंभ रूप है माता जी का। यहाँ से प्रकट हुई माता जी, कुछ टाइम माता जी ने विश्राम किया, फिर शांत रूप स्वरूप माता जी अंतर्ध्यान हुई। ये शांत रूप माता जी का क्रोध रूप, क्योंकि जब माता जी ने चंडमुंड का वध किया था उस समय क्रोध था माता जी को, वो इसलिए क्रोध रूप माता जी का, क्रोध रूप से प्रकट हुई, कुछ टाइम विश्राम किया, फिर पिंडी स्वरूप में ध्यान हो गया। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये स्वयं प्रकट है माता जी का, ठीक। और जो ये है पिंडी स्वरूप में कह रहे हैं, जब आपके आदि गुरु शंकराचार्य जी सबसे पहले
जो हमारे सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य 800 से 1200 साल पहले उनके द्वारा शांत रूप की स्थापना की गई माता जी। ओके ठीक, क्रोध रूप पहले से ही शांत रूप आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया। तो ये 1200 साल पुराना मंदिर है। हाँ, ये तो जब चंडमुंड का वध हुआ था तब का कहा जाता है। ओके, रात को आदि जो है वो कहते हैं आदिकाल के आदिकाल के मंदिर है। हाँ जी, इनका तो गणना तो है नहीं जी, है ना, इसको एक बता नहीं सकते कि ईस्वी में कौन से ईस्वी में हुआ क्या हुआ इस चीज़ को। हाँ जी, हाँ जी। तो भगवती का शांत क्रोध रूप और वो शांत रूप इधर गणेश जी स्थापित किए हुए हैं। हाँ जी, इधर अर्धनारेश्वर शिव जी हैं नीचे, इधर दिख रहे हैं ये अब सिर भगवान, उधर माता जी के अभिषेक मूर्ति किसी का अभिषेक अगर अभिषेक करते हैं। ओके, हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन भी मतलब माता रानी की इतनी कृपा रही, बिल्कुल मंदिर में अंदर जाके हमने बिल्कुल पंडित जी से बातचीत करते आराम से दर्शन किए, व्याख्यान उन्होंने आपको यहाँ की क्या महत्ता है वो भी आपको बताई दी है। और इधर आप देख सकते हैं 60 मीटर ऊंचा जो है पूरा ध्वज यहाँ पे माता रानी का लगा हुआ है। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं नीचे और लेके चलेंगे आपको मनसा देवी मंदिर। तो फ्रेंड्स, दर्शन करके हम आ गए हैं नीचे, लगभग अभी 3 बजे हैं और जो ज़्यादा टाइम लगा हमारा मंदिर में लाइन में लगने का और ट्रॉली के लिए वेट करने का, आने के लिए हमें वेट करना पड़ा, जाने के लिए तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब लेके चलते हैं आपको माँ मनसा देवी मंदिर, वहाँ भी हम आपको ट्रॉली से ही लेके जाने वाले हैं। मनसा देवी मंदिर से जैसे ही आप आते हैं हाईवे पार करने के बाद राइट साइड में ही आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद अब इधर जो ब्रिज है इसको होते हुए जाएंगे, लगभग यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे जो रोपवे है उसका काउंटर है और उसी से लगभग 5 मिनट आगे जो पैदल मार्ग है वो है। तो अभी लेके चलते हैं आपको, मार्केट से होते हुए जाएंगे और दर्शन कराते हैं आपको माँ मनसा देवी के। तो हम पहुँच चुके हैं माँ मनसा देवी के एंट्री पॉइंट पे, यहाँ से जो है जो ट्रॉली वाला रास्ता है वो जाता है और यहीं से लगभग 500 मीटर आगे जो है जो पैदल वाला रास्ता है वो जाता है। तो हम तो जाने वाले हैं ट्रॉली से, तो लेके चलते हैं आपको। तो हम आ गए हैं माँ मनसा देवी के टिकट काउंटर पे, आप देख सकते हैं हमने टिकट उधर ही ले लिया था क्योंकि आप दोनों साइड का एक ही जगह से टिकट ले सकते हो तो उसमें आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा और सामने जाके जो है हमें अंदर एंट्री लेनी है। और लाइन भी मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो हमें मिल गया है वेटिंग टोकन नंबर 74 और गार्ड भैया बोल रहे हैं कि लगभग 40 मिनट की वेटिंग है। वहाँ पे आप देख सकते हैं उधर जो है टोकन नंबर चल रहा है, जब हमारा टोकन का नंबर आएगा तो हमें उधर राइट साइड में एंट्री गेट है वहाँ से जाना है। आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया है टोकन नंबर 74 का और टोकन नंबर 74 पे लगभग 50 लोग थे, हम सोच रहे थे हम दोनों लोग हैं, बड़े खुश हो रहे थे। तो हर टोकन पे इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, बहुत लोग हैं और भीड़ आप अभी भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर वेटिंग एरिया में। अभी हम आ गए हैं उड़न खटोला के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे और यहाँ से हम बैठेंगे उड़न खटोला में और लेके चलेंगे आपको ऊपर माता मनसा देवी। हम बैठ चुके हैं उड़न खटोले में और ये चले हम ऊपर, तो पहुँच गए हम और भागो किधर जाना है इधर इधर ही जाना है। अच्छा, माँ मनसा देवी ये रहा भाई यारो। हाँ जी, तो फाइनली माता रानी के दरबार में हम पहुँच गए और जाने वालों की लाइन आप देख ही सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि आने में तो हमने आधा घंटा वेट किया ही, जाने में भी हमें शायद ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम तो अंधेरा होने को होगा और यहाँ पे और ज़्यादा लंबी लाइन होगी। हम पहुँच चुके हैं माँ मनसा देवी के प्रवेश द्वार पे, ये देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल माता मनसा देवी का प्रवेश द्वार है और जो हम ट्रॉली से आए हैं वो बिल्कुल पास में ही उतारा और यहाँ से सीधे हम एंटर करेंगे माता मनसा देवी मंदिर के लिए। और जैसा हमने लास्ट मंदिर में देखा था वहाँ भी चुनरी बांधने की एक मान्यता थी, यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों साइड में चुनरी बांधी हुई है और इधर जो है जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे इधर पूरी लाइन लगाने का ये अरेंजमेंट किया हुआ है। पंडित जी प्रसाद दे दीजिए, नहीं ठीक है।